न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय होम्योपैथी क्लिनिक जीरकपुर पंजाब। ट्रक ऑपरेटरों को 2021 से पहले टैक्स पर ब्याज जुर्माने में छूट, सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगी। डिप्टी सीएम का खुलासा, क्रिप्टो ठगी की वेबसाइट रिकवर, कई कर्मचारी भी जांच के दायरे में आएंगे। 16 नवंबर से शुरू होगी शिमला अमृतसर विमान सेवा, किराया भी कम। हिमकेयर की लंबित राशि के लिए स्वीकृति का इंतजार, 200 करोड़ का भुगतान लंबित। बिंदल का आरोप, 10,000 करोड़ का लोन लेने के बावजूद सरकार विकास नहीं करवा पाई। मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे बेरोजगार शास्त्री, नियमों में बदलाव पर की नारेबाजी। सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा एचआरटीसी, 7 तक वेतन विसंगति दूर होगी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों को 31 दिसंबर 2021 के पहले के वस्तु कर पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑपरेटरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों को 31 दिसंबर 2021 से पहले के वस्तु कर पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब यह ट्रक ऑपरेटर सिर्फ 10% ड्यूटी के साथ पिछला वस्तु कर जमा करवा सकते हैं। शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए बढ़ाए गए टैक्स को 70% कम किया है, जबकि ऑटो रिक्शा टैक्सी का एसआरटीसी नहीं बढ़ाया गया है। ऑटो रिक्शा पर पहले 363 रुपए एसआरटीसी लगता था, अभी भी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा 5-सीटर टैक्सी के लिए भी एसआरटीसी नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए एसआरटीसी की दर पहले भी 1,350 रुपए थी, वहीं अभी भी यह दर 1,350 रुपए है। इसमें बदलाव सिर्फ इतना किया गया है कि पहले यह कर आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से लिया जाता था, जबकि अब यह कर परिवहन विभाग वसूल करेगा। करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी ठगी के लिए शातिरों द्वारा बनाई गई वेबसाइट को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। शातिरों की वेबसाइट रिकवर करने के बाद पुलिस क्रिप्टो ठगी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का डेटा एकत्रित कर रही है। देखें ये बड़ी खबर। करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी ठगी के लिए शातिरों द्वारा बनाई गई वेबसाइट को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। शातिरों की वेबसाइट रिकवर करने के बाद पुलिस क्रिप्टो ठगी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का डेटा एकत्रित किया है। अब तक जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के करीब 5,000 कर्मियों ने करोड़ों की ठगी में पैसा इन्वेस्ट किया है। एसआईटी अभी 2 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब क्रिप्टो में करोड़ों इन्वेस्ट करने वाले कर्मचारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। धीरे धीरे एसआईटी की जांच में करोड़ों के घोटाले से जुड़ी परतें खुल रही हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्रिप्टो करेंसी की जांच का खुलासा किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी की जांच संबंधी एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कम समय में अधिक लाभ का झांसा देकर प्रदेश के भोले भाले लोगों को सुनियोजित तरीके से ठगा गया है। शिमला अमृतसर विमान सेवा 16 नवंबर से शुरू की जा रही है। विमान सेवा से हिमाचल एवं पंजाब के 2 बड़े शहरों के बीच यातायात में सुगमता प्राप्त होगी। देखें क्या रहेगा किराया और उड़ान भरने का समय। शिमला अमृतसर विमान सेवा 16 नवंबर से शुरू की जा रही है। विमान सेवा से हिमाचल एवं पंजाब के 2 बड़े शहरों के बीच यातायात में सुगमता प्राप्त होगी। इसके लिए विमान कंपनी एलायंस एयर ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। यह विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को उपलब्ध रहेगी। विमान शिमला से प्रातः 8:10 पर अपनी उड़ान भरेगा तथा 9:10 पर अमृतसर पहुंचेगा। वहीं अमृतसर से
प्रातः 9:35 पर उड़ान भरेगा और 10:35 पर शिमला पहुंचेगा। शिमला से अमृतसर का किराया 1999 रुपए निर्धारित किया है। अधिक जानकारी के लिए यात्री विमानन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या उनके ट्रैवल पार्टनर से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों को अभी तक लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान करने के लिए विभाग सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों को अभी तक लंबित राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान करने के लिए विभाग सरकार से अनुमति मिलने के इंतजार में है। सरकार की ओर से अभी तक लंबित राशि के भुगतान को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह सरकार से अनुमति मिल सकती है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद विभाग द्वारा अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों को अभी तक 200 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। ऐसे में जल्द अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अस्पतालों को दिवाली से पहले लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब हिमकेयर योजना के तहत आने वाले क्लेम की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसके कारण लंबित राशि भी बढ़ने लगी है। अधिकारियों का कहना है कि हर महीने अस्पतालों से सरकार को करीब 35 करोड़ रुपए के क्लेम आ रहे हैं, जबकि पहले यह राशि इतनी नहीं होती। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 10 महीनों में 10,300 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। इस अवधि में राज्य सरकार किसी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई और विकास भी शून्य है। देखें और क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 10 महीनों में 10,300 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इस अवधि में राज्य सरकार किसी गारंटी को पूरा नहीं किया गया और विकास भी शून्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी खराब हो चुकी है। प्रदेश में दिन दिहाड़े खून, बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार आम बात हो गई है। नशे का प्रचलन जिस कदर बढ़ा है, उसका परिणाम हमें NIT हमीरपुर में देखने को मिला है। बेखौफ, बेरोक टोक खनन माफिया, स्क्रैप माफिया दंदनाते हुए काम कर रहा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान खोले गए 1,500 से ज्यादा संस्थान बंद करने का निर्णय सरकार की जनविरोधी नीति का ज्वलंत उदाहरण है। सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव बनाकर कानून और नियम को ताक पर रखा और सरकार की कंगाली का रोना रोते रहे। कैबिनेट रैंक के अनेक पद सृजित किए, परंतु सरकार के पास धन नहीं है। प्रदेश के बेरोजगार शास्त्री मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। शनिवार को प्रदेश के बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थियों ने CTO पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। क्यों गुस्से में हैं ये लोग, देखें इस रिपोर्ट में। प्रदेश के बेरोजगार शास्त्री मांगों को लेकर सड़क पर आ गए हैं। शनिवार को प्रदेश के बेरोजगार शास्त्री अभ्यर्थियों ने CTO पर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। शास्त्री भर्ती के लिए नियमों में किए गए बदलाव के बाद प्रदेश बेरोजगार शास्त्री भड़क गए हैं। बेरोजगार शास्त्रियों ने रोष प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले प्रदेश सरकार ने आनन फानन में शास्त्री भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। पहले जो 5 धर्म ग्रंथों को पढ़कर संस्कृत कॉलेज से आता था, उसे पात्र माना जाता था। 2011 में सरकार ने NCT का हवाला देते हुए नियमों में बदलाव किया और 50% एवं टेट अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कि 45 की उम्र के बेरोजगार शास्त्री नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो BA में एक विषय पढ़कर आता, उसे शास्त्री पद के लिए पात्र माना जाता है। ऐसे में 20,000 शास्त्री भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। HRTC कंडक्टरों की वेतन विसंगति पर HRTC प्रबंधन की तरफ से जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। HRTC के प्रबंध निदेशक ने बताया, कंडक्टरों की वेतन विसंगति का मामला उनके ध्यान में है।
एचआरटीसी कंडक्टरों की वेतन विसंगति पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि कंडक्टरों की वेतन विसंगति का मामला उनके ध्यान में है, पूरा विश्लेषण कर सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार व वित्त विभाग इस पर फैसला लेंगे। सरकार व वित्त विभाग की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा एचआरटीसी प्रबंधन उस पर अमल करेगा। वहीं दूसरी ओर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन को वेतन विसंगति दूर करने का अल्टीमेटम दिया है। बीते दिनों कंडक्टर यूनियन की मंडी में हुई राज्य स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अगर 7 नवंबर तक कंडक्टरों की वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जाता है तो फिर 8 नवंबर से कंडक्टर सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे, यानी ओवरटाइम नहीं करेंगे। कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ठाकुर ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों के देय भत्तों का भुगतान भी दीपावली से पहले एक मुश्त होना चाहिए। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। चंबा के अटलुई में सड़क के काम के दौरान मलबे की चपेट में आने से खाई में गिरा मजदूर मौके पर मौत। रोहड़ू के गंगटोली चिड़गांव में 2 मकान राख अचानक सुलगी चिंगारी से 20 लाख रुपए का नुकसान। कुल्लू के लिंडूर गांव में फटने लगी जमीन, मकानों में दरारें आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कुल्लू में मंदिर के गोदाम से 850 बोरी सरकारी चावल की खेप बरामद, विजिलेंस ने खाद्य आपूर्ति विभाग से मांगा रिकॉर्ड। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।